हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज चुके हैं 8 o'clock और अभी हमने घर पे पूजा वगैरह कर दी है। आज पानी भी नहीं बरस रहा है तो हम सोचा है आज मंदिर जाते हैं, तो अभी हम मंदिर के लिए रेडी हो गए हैं और इडली से थोड़ा प्रसाद लेंगे और फिर मंदिर जाके आते हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं। तो गाइस, हम मंदिर पहुँच चुके हैं। हम स्कूटी से आए थे और देखे मंदिर का और सभी लोग बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए मंदिर का फ्रंट, ये मंदिर की शॉप है, यहाँ सब लोग पूजा सामग्री ले रहे हैं। इस मंदिर में आ चुके हैं। लाइन में काफ़ी लंबा लाइन था तो उसमें अब जाकर टोकरी मिली है। मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, तो चलिए पूजा करते हैं। गाइस देखिए मंदिर में कितना अच्छा लग रहा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं समंदर मंदिर के पीछे साइड, तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हवा भी चल रही है और आँख नहीं खुल रही, सूरज इतना है। गाइस पूजा वगैरह करके अब हम चल रहे हैं घर के लिए। स्कूटी उधर साइड में खड़ी है, देखिए अब धूप भी हो गई। सुबह जब आए थे तब धूप नहीं थी, करीब 1.5 घंटा लग गया है क्योंकि भीड़ भी बहुत है। और फिर मृत्युंजय का जाप किया तो फिर टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए अब घर को चलते हैं। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं आरव सोया हुआ है अभी भी की जगह है, क्योंकि आरव गया नहीं है स्कूल आज कल। उसकी क्लास की लड़कियों की टीम गई है नासिक, तो टीचर तीन टीचर गए हैं, दो ही टीचर हैं, तो इसलिए वो बोला मैं जाऊँगा नहीं। तो अभी जा के देखते हैं। देखिए गाइस अभी भी सोया है, टाइम हो रहा है 10:40 हो रहा है और ये सोने में लगा हुआ है। तो गाइस घर हम आ चुके हैं और आपको भी जगा दिया, आरब जग के आ गए, ये बैठे हुए हैं। और अभी हम क्या करते हैं, हमें मंदिर में थोड़ा प्रसाद मिला था, प्रसाद में हमें 2 केले मिले थे, तो 1 केला रख देते हैं आरब पीयू के लिए, 1 हम खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आरब क्या खाएँगे, उनके लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसाद करते हैं लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा कोलाबा मार्केट, जो ओल्ड में पहले HP का जो एजेंसी थी वो कोलाबा में शिफ्ट हो गई है। तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं ट्रांसफ़र होती है कि नहीं। तो ये HP की बुक है, तो अभी हम जाके एक बार देखते हैं, मऊ के लिए ट्रांसफ़र कराते हैं, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आएँगे तब तो होगी। तो अभी चलते हैं कोलाबा। तो गाइस हम HP के ऑफिस में पहुँच चुके हैं कोलाबा मार्केट में, तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं ट्रांसफ़र करते हैं वो अभी कि नहीं करते हैं, कि इनके आने की करेंगे तो अंदर चलते हैं। गैस हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है और अभी हम चलते हैं घर। बट उन्होंने जैसे ही मंदिर घुसे, मैंने सिलेंडर के लिए गैस के लिए बोला, तो बोले सिलेंडर लेके नहीं आए। मैंने कहा भैया सिलेंडर मैं नहीं लाई, तो बोले आप सिलेंडर लेके आओ। फिर मैंने बोला आपका कोई वहाँ पे अगर गैस सिलेंडर डिलीवर करने गया हो किसी के यहाँ तो उससे बोल दो ले आते, तो बोले 100 रुपये चार्ज लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप 100 रुपये ले लेना, कोई बात नहीं। बट हम अकेले ला नहीं सकते थे, वजन बहुत हो जाता, इसलिए उन्होंने वहाँ से कलेक्ट कर लिया सिलेंडर। और यहाँ हमारा एक ही बार में बार बार आना नहीं पड़ा, जल्दी से हो गया काम हमारा। तो अभी हम चलते हैं घर को। तो गए शाम के 5 बज चुके हैं और अब पीयू भी कोचिंग निकल गए हैं। अब हम चलते हैं कुछ बनाते हैं अपने लिए खाने का, आज फास्ट है सोमवार का, तो खाने के लिए अपने लिए कुछ बनाते हैं। और पीयू स्कूल से आई, मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो बोली कुछ मत बनाओ मुझे भूख नहीं है। तो फिर दोपहर में उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं बना, उन्होंने
कुछ भी नहीं खाया, मतलब अपना केला फ्रूट वगैरह खा लिया, केले का मिल्क शेक वगैरह बना के ये सारा खा लिया, खाना नहीं खाया तो मैंने फिर बनाया नहीं। अभी बनाते हैं अपने लिए भी, उनके लिए, जब तक वो आएंगे तब तक खाना रेडी हो जाएगा, तो खत चलिए खाना बनाते हैं। गाइज हम पार्लर से आ चुके हैं और हमने आके देखा आरव खाना खा रहे हैं। आरव अपने लिए क्या कर रहे हैं? आरव तो आरव अपने लिए किचन में कर रहा था दूध गर्म। उसने दूध गर्म कर लिया? तो उसने आरव ने दूध गर्म कर लिया। और इधर पीहू अपना पढ़ाई कर रही है। क्या कर रही हो पीहू? हाँ, क्या पढ़ाई कर रही है? न्यूज लिख रही, न्यूज। अच्छा चलो, तो गाइस हमारा तो फास्ट था, हम तो खा पी के गए थे पार्लर और अभी जस्ट आए हैं। देखा तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।